संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। आंदोलन अभी जारी रहेगा। सरकार ने सिर्फ एक मांग मानी है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कहा आंदोलन अभी जारी रहेगा क्योंकि सिर्फ सरकार ने हमारी एक मांग मांगी है, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग। तो सरकार से एमएसपी पर गारंटी देने की मांग कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा। और सिंघू बॉर्डर पर एक यादगार स्थल बनाने की मांग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई। वहीं आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी अब संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ा फैसला कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अभी सिर्फ सरकार ने हमारी एक मांग मानी है। तो एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, और सरकार से एमएसपी पर गारंटी देने की मांग भी संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता स्वामी इंदर जुड़ चुके हैं। जी स्वामी इंदर, आपके पास आऊंगी मैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। जी बहुत बड़ा फैसला लिया है कल प्रधानमंत्री मोदी ने, के ऐलान कृषि कानूनों पर ऐलान वापसी का, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जो बैठक की उसमें साफ कह दिया उन्होंने कि अभी आंदोलन चलता रहेगा। और कितने समय तक चलेगा आंदोलन? देखिए, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा नहीं चाहता कि आंदोलन चले, पर सरकार की जो मंशा है वो किसानों को सड़कों पर बिठाना चाहती है। आप बताइए, लोकतंत्र के अंदर लोगों की बात माननी चाहिए कि पूंजीपतियों की बात माननी चाहिए? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक स्टंट खेलते हुए जानबूझकर। सर, आपको प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं है? देखिए, वही बताने जा रहा था, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधी अधूरी बात करी, पूरी बात जनता के सामने, देश के सामने रखी। उन्होंने एक तरफ गलती मांगी, माफी मांगी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि दीपक की लोह की तरह, दीपक के प्रकाश की तरह ये कानून पवित्र है और मैंने बड़ी तपस्या की। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान तपस्या कर रहे थे कि आप तपस्या कर रहे हैं, एक साल से लगातार आपने किसानों के ऊपर जो तदर्थ ढाई है, जो जुलम किए हैं, पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि आपके लोगों ने और आपके द्वारा किसानों को क्या क्या नहीं कह डाला, मवाली, आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद भी किसान धैर्य पूर्वक बैठे हैं, माधारक उपनाए बैठे हैं, और राजनीति स्टंट आप खेलने आगे 5 राज्यों के चुनाव को देखते कि आपकी जमीन की स्थिति आपको नजर आ रही है, किसानों ने जो दवाई बनाई है उसका असर होता नजर आ रहा है, गांव में अब चर्चा है, गांव के आम किसान, आम लोग, मतलब आप इसको राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं स्वामींदर जी? राजनीतिक स्टंट है ये? बिल्कुल, ये राजनीतिक स्टंट है। गांव का एक भोला भाला किसान, आम नागरिक भी ये बात कह रहा है कि दिल्ली जो बात कर रही है वो दवाई के असर पर कर रही है, कहीं किसान आने वाले चुनावों में दवाई डबल ना कर दे, दो सरकार को ज्यादा ना दे दे, सरकार इसलिए भयभीत है। और सरकार ने राजनीतिक स्टंट खेला है, और मैं समझता हूँ अगर वास्तव में किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित होते, जिस प्रकार से विशेषतर उन्होंने अपने मित्रों के लिए बुलाया था संसद का, आज भी वो विशेषतर बुलाकर इन कानून को निरस्त करते। साथ में सर, उन्होंने कहा तो है कि संसद में इन्हें रिपील किया जाएगा, जो कानून बने हैं कृषि कानून उनको रिपील किया जाएगा, तो भरोसा तो करना चाहिए इस चीज का। मैं आप वही बात कह रहा हूँ कि कैसे भरोसा बने, जब देश का गृह मंत्री खुद कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री चुनावी घोषणाओं में अधिकतर जो बातें कहते हैं वो जुमले होते हैं, तो किस किस बात को पूरा करेंगे? तो यानी कि इस बात को भी हमें समझना होगा, जब देश का गृह मंत्री उनकी बात को जुमला कहता हो तो आम नागरिक क्या कहेगा।
सर, लेकिन ऑन एयर उन्होंने ये बात कही है, क्षमा मांगी है, किसानों से मांगी है, देशवासियों से मांगी है, और कृषि कानून वापस करने का ऐलान किया है। भरोसा तो करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, आप किसी पार्टी से जोड़ के मत देखो उन्हें, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, उनका जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं और हम इंतजार भी करेंगे कि जब उस देश में अपना शीतकालीन सत्र चल रहा होगा तब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, देश सुनना चाहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब देश के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और तमाम मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल की तरफ ने एक रिटर्न लेटर लिखा और कहा कि किसानों को उनका एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जो आज प्रधानमंत्री हैं, तो दूसरी बार देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, क्या वो संसद में जाकर उसकी पैरवी करते नजर आएंगे अपने विचारों की, अपने बातों की? सर, लेकिन जो किसान नेता उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए इस बारे में। मैं वही कह रहा हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जनवरी से लेके अब तक 2 पत्र मीडिया के सामने भारत सरकार को भेजे, प्रधानमंत्री को भेजे कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। ऐसे में आप देखिए 22 जनवरी से लेके अब तक माननीय प्रधानमंत्री फोन कॉल की दूरी को बनाए हुए हैं, अभी तक किसान से वार्ता नहीं की, ऑन एयर आके आकाशवाणी करके चले गए, मन की बात जैसे उन्हें कहनी थी वो कह के चले गए, ना सुना ना समझा ना बीच में आके बैठे। क्या आज माननीय प्रधानमंत्री समझते हैं किसान से दूर है? किसान तो दिल्ली की दहलीज में बैठे हैं, आइए तो सही, बैठिए तो सही, चर्चा तो कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी इंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, आपके पास आऊंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक में एक बड़ा फैसला कर दिया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की बात पे विश्वास नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, आज बैठक थी और बैठक में जितने भी पंजाब के जत्थेदारी थे और जिस संयुक्त किसान आंदोलन के बैनर तले सारे किसान नेता बैठे हुए थे, और उन्होंने यह शुरू में ही उनका यह निर्णय था कि अभी प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है लेकिन ऐलान के बाद संसद में इसकी रिपील की कार्यवाही हो। साथ ही कुछ और डिमांड्स थे इनके, जो सबसे एमएसपी को लेकर डिमांड्स, बिजली को लेकर डिमांड्स, जो लोग इसमें जिनकी मौत हुई है, 700 से ज्यादा किसानों की इसमें मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, साथ ही हिंसा के दौरान जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं और उसको लेकर जो संगठन के लोग हैं इनका इनकी मांग है कि सरकार खुद आकर इनके बीच में बैठे और इस आंदोलन को केवल ये कह देने से कि किसान बिल वापस हो जाए उसके बाद आंदोलन खत्म, तो यह नहीं होगा। यह इन्होंने एक फैसला किया है कि इनकी और जो डिमांड है उस पर भी जब तक सरकार पूर्ण रूप से उस पर बात नहीं करती और उस पर उन मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इसमें और, क्योंकि सुशील, किसानों का जो महामंथन था आज बैठक थी, उसके बाद इंतजार था सभी को कि शायद हो सकता है कि किसान अपना फैसला, अपना आंदोलन वापस ले ले, ये फैसला निकल कर आया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि नहीं, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, आज जो बैठक थी कजारिया में, उस बैठक के दौरान यह भी माना जा रहा था कि राकेश टिकैत भी उस बैठक में शामिल होंगे, गुरनाम चरोनी भी शामिल होंगे और ये लोग भी मिलकर आज उस बैठक पूर्ण नतीजे तक पहुंचेगा, लेकिन आज जो बैठक हुई वो पंजाब से संबंधित जो किसान बत्ती संगठन है उनकी बैठक हुई और उसमें उन्होंने मांग किया, क्योंकि इस बैठक में सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो पंजाब के जो किसान है, जो दिल्ली एनसीआर में आकर जिन्होंने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और करीब एक साल का समय हो गया, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई मामले ऐसे उनसे संबंधित सामने आए, तो केवल कृषि बिल वापस करने से उनकी मांगे पूरी नहीं होती। अब उनकी पूर्ण रूप से मांग है कि जब तक सरकार उनके बीच न बैठे और एक संयुक्त दोनों तरफ से जी सुशील जी मांगे जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।